स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? ए जापान, बी यूएसए, सी चीन, डी फ्रांस। आंसर बी यूएसए। एक्सप्लेनेशन: फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा, वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए 70वें, बी 71वें, सी 72वें, डी 73वें। आंसर बी 71वें। एक्सप्लेनेशन: ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जेवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर सी 12 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर ए 10 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत संरक्षणवादी डेरेक और बेवली जॉबर्ट ने नेशनल ज्योग्राफिक की बिग कैट पहल के साथ की थी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ए जगदीप धनखड़, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी किरेन रिजिजू, डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए जगदीप धनखड़। एक्सप्लेनेशन: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 अगस्त सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। इस रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे देश भर के घरों में तिरंगा फहराने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? ए कर्नाटक और तेलंगाना, बी कर्नाटक और केरल, सी तेलंगाना और केरल, डी तेलंगाना और महाराष्ट्र। आंसर बी कर्नाटक और केरल। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुनचुंडी और केरल के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। दिल्ली में मोरों की मौत के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा को बताया कि उनकी मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि लू से हुई है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय डाक, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, डी दिल्ली मेट्रो। आंसर सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है।
यह इस पहल के तहत यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल के QR कोड आधारित टिकट को भारतीय रेलवे IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का पूर्ण संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत यात्री 120 दिन पहले मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट यात्रा की तारीख से 4 दिन के लिए वैध होंगे। अगला प्रश्न, किस महासागर संरचना का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आंसर, डी हिंद महासागर। एक्सप्लेनेशन, भारत ने हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भूवैज्ञानिक संरचनाओं के नाम प्रस्तावित किए हैं। अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु रिज तीसरी संरचना है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC ने हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तावित नामों को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर अब हिंद महासागर में 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ए गस एटकिंसन, बी सूर्य कुमार यादव, सी बेन स्टोक्स, डी जो रूट। आंसर, ए गस एटकिंसन। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2024 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चमारी एट्टापट्टु को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यह अवार्ड जीता। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? ए 76वां, बी 77वां, सी 78वां, डी 79वां। आंसर, सी 78वां। एक्सप्लेनेशन, 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। तभी से हर साल इस ऐतिहासिक दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये देखते हुए कि हम स्वतंत्रता के 77 साल मना रहे हैं, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ए गौरव, बी निर्भय, सी प्रहार, डी शौर्य। आंसर, ए गौरव। एक्सप्लेनेशन, DRDO ने 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण ओडिशा के तट पर हुआ। लंबी दूरी के ग्लाइड बम स्मार्ट बम है जो वायुसेना को ऐसे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं जो पारंपरिक हथियारों की पहुँच से परे हैं। इस बम के सफल परीक्षण से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगला प्रश्न, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी PR श्रीजेश, सी अजय कुमार, डी हार्दिक सिंह। आंसर, बी PR श्रीजेश। एक्सप्लेनेशन, हॉकी इंडिया काइट ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के रिटायर गोलकीपर PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। बता दें कि PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। साथ ही श्रीजेश के सम्मान में 16 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में श्रीजेश आखिरी बार उतरे थे। अगला प्रश्न, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? ए 2028 लंदन, बी 2028 मेलबोर्न, सी 2028 न्यूयॉर्क, डी 2028 लॉस एंजल्स। आंसर, डी 2028 लॉस एंजल्स। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खत्म हुए 2024 के ओलंपिक खेलों के बाद अब 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होना है। ये शहर तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेगा, पहले 1932 और 1984 में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों में फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आंसर, डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया।
राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार देवड रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग लगभग 20,000-10,000 साल पहले का है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर बी 14 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: विभाजन के दर्द को याद करने के लिए और लोगों को उस दौर के माहौल को दिखाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न: अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। आंसर सी 85। एक्सप्लेनेशन: भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइटों की सूची में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़ी हैं। इनमें तमिलनाडु के नांजारान और काजूवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 हो गई है। भारत के रामसर स्थल में चिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न: विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा देश में खोजा गया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी ब्राजील, डी तुर्की। आंसर एक्सप्लेनेशन: तुर्की में पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। ये कैलेंडर 12,000 साल पुराने पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है जिसे पुरातत्वविदों ने तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा है। यह मानव सभ्यता की समय रेखा को फिर से लिखने में मदद करेगा। इस कैलेंडर के अनुसार प्राचीन मानव 150 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में प्रलेखित होने से पहले समय का ट्रैक रखने के लिए सटीक तरीकों का पालन करते थे। अगला प्रश्न: वैज्ञानिकों ने चावल की कौन सी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है? ए अर्बोरियो, बी जैस्मीन, सी बोम्बा, डी ढाला हीरा। आंसर डी ढाला हीरा। एक्सप्लेनेशन: तुर्की वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने चावल की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE में प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ संबंधित लक्षणों और जीनों की खोज की है। ढाला हीरा किस्म उच्च NUE और कम विकास अवधि दोनों का दावा करती है। कृषि स्थिरता में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न: भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया? ए मलेशिया, बी कनाडा, सी थाईलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए मलेशिया। एक्सप्लेनेशन: भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMF के सहयोग से 05 से 9 अगस्त 2024 तक कुआतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में IAF ने SU-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ए राहुल वी चितला, बी मनोज बाजपेयी, सी ऋषभ शेट्टी, डी सूरज शर्मा। आंसर सी ऋषभ शेट्टी। एक्सप्लेनेशन: 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला। दक्षिण कन्नड़ के काल्पनिक गांव में स्थापित कंतारा में शेट्टी का किरदार, जो एक कंबाला चैंपियन का किरदार निभाता है जिसका एक ईमानदार वन रेंज अधिकारी के साथ आमना सामना होता है। अगला प्रश्न: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मोर्ने मॉकल, बी प्रवीण कुमार, सी डेल स्टेन, डी ग्रेट ली। आंसर ए मोर्ने मॉकल। एक्सप्लेनेशन: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मॉकल को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। मॉकल की नियुक्ति से भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ पूर्ण हो गया। इसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर के अलावा फील्डिंग कोच थी दिलीप और सहायक कोच के रूप में रायन टेन देशिकाटे और अभिषेक नायर शामिल हैं। अगला प्रश्न: 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? ए ब्रह्मास्त्र, बी गुलमोहर, सी ऊंचाई, डी 12वीं फेल। आंसर बी गुलमोहर। एक्सप्लेनेशन: 16 अगस्त को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 का अनाउंसमेंट किया गया।
इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। ये एक परिवार की कहानी है जिसमें उनके बीच के रिश्तों और भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। नेशनल अवार्ड विनर को एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इसके साथ साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय वर्मा, बी राजीव कुमार, सी अनिल कुमार, डी गोविंद मोहन। आंसर डी गोविंद मोहन। एक्सप्लेनेशन, 14 अगस्त 2024 को सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी गोविंद मोहन को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। आंसर सी बिहार। एक्सप्लेनेशन, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BSBRT को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। BSBRT राज्य के विधि विभाग के अधीन कार्य करता है। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और ट्रस्टों को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिए।